लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वह मंदिरों च उमड़ रही है, तो रामनौमी मौके श्रद्धालु की कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो किन्नी क उन्हां च किन्ना क उत्साह है क्योंकि लंबे अरसे तो बाद मंदिरों च भीड़ देखने मिली है। बिल्कुल लंबे अरसे तो बाद जो मंदिरों च भीड़ देखने को मिल रही है, तस्वीर ये साफ बोलती है। वो तुम कहावत सुनी होनी कि आ पिक्चर स्पीक्स 1000 words, तो वो शायद वो इंग्लिश की जी कहावत है वो इतने वो देखी जा सकती है, क्योंकि इतने कहने की लड़ नहीं। ये साफ तौर पर दिख रहे हैं कि आखिरकार किन्ने इतने जो श्रद्धालु ने हुमा के पहुँच रहे हैं, किस तरीके इतने जो है वो नतमस्तक हो रहे हैं। तो जोड़ा क्योंकि संडे का दिन है अज, कई लोग लेट उठते हैं, असं 7 बजे भी जो दर्शन करवाए थे, हूँ जरूर क्योंकि 8 बजे ने, 8 बजे भी जो है वो माता मनसा देवी के दर्शन जरूर करवाने हैं। अपने कैमरामैन कहूँगा जरूर एक बार दर्शन जरूर करवा, 5 सेकेंड लिए असं भी जरूर चुप रहेंगे ताकि आराम नाल दर्शन जोड़े वो साढ़े दर्शक कर सकन। सिद्धियां तस्वीरां ने माता मनसा देवी दियां जिथे श्रद्धालु पहुँच रहे ने अज, क्योंकि रामनौमी वाला दिन है, 10वां दिन है, नराते जड़े ने वो हो गए, हुण अज दा भी जड़ा त्यौहार है या फिर कहिए शुभ दिन है, इसनू किन्नी महत्वता दी जाती है, किन्नी इंपोर्टेंस है इस दिन की। अज के दिन की कहा जाता कि जिहड़े भगवान रामचंद्र ने वो अज के दिन उन्हां दा जन्म होया सीगा, ते नाल दे नाल शायद आही कारण है कि नरात्यां दे नाल नाल अज, क्योंकि अज 10वां दिन है, अज रामनौमी है, अज भी उस तरीके लोग जो ने श्रद्धालु ने पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी सर। आज के दिन की खासियत क्या है? बेटियाँ हैं जी सर, मेरी बेटी जी सर। हाँ। बेटी क्या खासियत क्या है आज के दिन? सर आज अंतिम दिन था ना, इसलिए सर छुट्टी भी रहती है। ठीक है बजम, तुम भी साढ़े बने रहो, तो साढ़े राजीव वधवा भी बने हुए हैं, उन्होंने तो भी सवाल ला लें। राजीव किन्नी क इतने मंदिरों के भीड़ उमड़ रही है श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु की कह रहे हैं अज के दिन? जी देखो अच्छा रामनौमी है, तो रामनौमी के त्यौहार से असं खड़े हाँ जलंधर के, जलंधर से नहीं कह सकते बल्कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के। श्री देवी तला मंदिर के हमेशा ही भीड़ रही है, लेकिन इन दिनों के नरात्या चाहे रामनौमी हो, इस बार कोरोना तो बाद बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीर सामने ने तुहाडे, असीं मेन मंदिर जिहड़ा है, मेन भवन है, उस भवन के अंदर ही खड़े हैं। सामने तुसीं देख पा रहे हो किस तरह इत्थे लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ के लोग सामने हुण माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद लै रहे हैं। इत्थे प्रसिद्ध शक्तिपीठ के अंदर जिहड़ियां मेन भवन है उस माता रानी का, तो गल करिए कोरोना काल के जिस तरह इस मंदिर इन मंदिरों के रौनक नहीं रही सी 2 साल, तो 2 साल बाद इदां दी रौनक जिहड़ी देखण नूं मिल रही है। तो सामने इस वेले बहुत ज्यादा उत्साह भी है, जिदा असीं गल कीती भगतां दे नाल, भगत कह रहे सन कि 2 साल उन्होंने इस इन मंदिरों दूर रहे ने, तो 2 साल बाद इतने उन्होंने आने का मौका मिलिया है। तो इस वेले उन्होंने इस मंदिर के खास गल की जाए तो इस मंदिर की महत्व यह है कि इस मंदिर के आके जो भी मन दी मुरादा भगत मंगते हैं इतने आके उन्होंने पूरी होंगे ने। तो सामने तुम देख पा रहे हो बिल्कुल भवन के किस तरह इतने हूँ आम जो भगत ने किस तरह हूँ श्रद्धा के नाल माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने तो बाद इतने बैठ के माता रानी के जो गुणगान भी कर रहे हैं, तो इस तो बाद बाहर जाके इस तो बाद प्रसाद भी लै रहे हैं। सामने जोत जल रही है माता रानी की, श्रद्धालुओं जारी रखो। बहुत बहुत धन्यवाद बजम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।